आपके इस इस्तकबाल के स्वागत के अभिनंदन के बाद भाई ये तबड़ा देश है, तबड़ा प्रदेश है, जो भी यहाँ पर आए हम था, ये तो राजस्थान में तो अतिथियों का स्वागत करने का एक पुरानी परंपरा है, जो भी आए अपनी बात को रखे। लेकिन मेरा इतना निवेदन है हर दल के नेता से, कोई भी हो वो, कि जो भी यहाँ पर आए विकास की बात करे, लोगों को जोड़ने की बात करे, अमन चैन भाईचारे की बात करे। और लोकतंत्र में कोई भी आए चुनाव लड़े तो जनता तय करती है, जनता जनार्दन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा समय बताएगा। लेकिन हमें तो हमेशा खुले दिल के लोग हैं और हमेशा हर एक का स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आए व्यक्ति या दल या विचारधारक लोग आएँ, सबका स्वागत है, अपनी बात को रखें। लेकिन बेहतर ये होगा सियासत के लिए, प्रदेश और देश के लिए, कि जो भी यहाँ पर आए प्यार मोहब्बत की बात करें, कोई कमी दिखे उसको बताए, गिनाए, चर्चा करें। लेकिन डेवलपमेंट, लोगों के रोजगार इशू जो पब्लिक के हैं, वो ज़्यादा मैं समझता हूँ रेखांकित करने की ज़रूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने करोड़ों रुपए की सड़कों का उद्घाटन किया है और कई करोड़ रुपए की सड़कों का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। अभी अगले 2-3 महीने में सभी निर्माण काम को जल्दी पूरा करने का मैंने अधिकारियों से उनको मैंने कहा है, क्योंकि फिर मानसून आ जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि शहर के अंदर जो काम अटके हुए थे बहुत लंबे समय से, सुवेज के, सड़क के, नालियों के, वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। और ज़िले भर में भी जहाँ जहाँ जो काम बचे थे निर्माण के, उन सब कामों को हम करवा रहे हैं। विकास की गति को और तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कार्यकाल 10 महीने का बचा है सरकार का। और राजस्थान में खासकर क्षेत्र के अंदर जो जो हम लोगों ने वादे किए थे, उन सभी वादों को पूरा कर हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे खुशी है कि दुगनी गति से यहाँ पर सारे काम विकास के हो। जहाँ तक वीरांगनाओं की बात है, मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग, जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं, उनको संयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वीरांगनाओं का जो पैकेज है, जो सरकार की सहायता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब लोगों को मिली है। इसके अलावा भी अगर कोई मांग थी, उन मांगों को मैं ऐसा मानता हूँ कि संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते, और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना, और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक, जो भी, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविज़न में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खासकर जो महिला हैं, विधवा हैं। और कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज़ रखना ना रखना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो विषय बाद का है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था। और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है, तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जहाँ तक बाकी विषय हैं, उस पर सरकार ने अपनी बात रखी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग रखना, ये हमारे लोकतंत्र की एक पहचान है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी मांगें हैं, किसी की सड़क का है, चार दीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं हैं। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, वो अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी, थोड़ा वो जैसे मैं कहा भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए, महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था, और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाते, समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है,
किसी को एक या दो या तीन नौकरी देना ना देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। हम किसी को कुछ ना भी देना चाहें या समझाना चाहें तो बैठकर मिलकर इत्मीनान से संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बहुत बेहतर बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी या कांग्रेस जनता दल इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये किसी एक दल का एक सरकार विपक्ष का नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का देश है। और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है, और हमारे जो सैनिक सरहद पर खड़े हैं, जो गोली खा रहे हैं, आज खाने को तैयार हैं बर्फ़ में, जंगल में, रेगिस्तान में, वो किसी जाति धर्म समुदाय पार्टी विचारधारा के नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए खड़े हैं। तो उनके मान सम्मान में हमें कहीं कमी आनी नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी को किसी ने कुछ गलत फहमी है या कुछ ज़्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता पहले, तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि